आकाश, आकाश, पापा मैं डिवोर्स दे दूं क्या? हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? क्या क्या सपने देखती है? सब चीज में बेस्ट है, किसिंग में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है। साहसी, प्रतिभाशाली और खुद से बेदाग कंगना रनौत एक ऐसा नाम जो शक्ति, प्रतिभा और सरासर दृढ़ संकल्प के साथ गूंजता है। आइए आज इस बॉलीवुड कलाकार के जीवन, करियर और आशाजनक भविष्य की यात्रा शुरू करें। कंगना रनौत की कहानी हिमाचल प्रदेश की विचित्र पहाड़ियों से शुरू होती है, जहां एक युवा लड़की दुनिया जीतने का सपना देखती थी। 2006 में कंगना ने गैंगस्टर के साथ शानदार शुरुआत की, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने न केवल उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित किया बल्कि एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत भी की। कंगना ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने बॉलीवुड के पारंपरिक मानदंडों को फिर से परिभाषित किया। फैशन से लेकर क्वीन तक उन्होंने निडर होकर ऐसी भूमिकाएं निभाई जिन्होंने रूढ़िवादिता को चुनौती दी। मेरा हाल ना गुप्ता अंकल के जैसा हो गया है। गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। अपनी प्रतिभा का एक और पहलू उजागर करते हुए कंगना ने रानी की कहानी को जीवंत करते हुए मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी के साथ निर्देशक की कुर्सी पर कदम रखा। लक्ष्मीबाई किरदार की गहरी समझ, फिल्म ने प्रशंसा बटोरी, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि कंगना भारतीय फिल्म उद्योग में एक बड़ी ताकत हैं। उनके परोपकारी प्रयासों से पता चलता है कि कंगना सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वह एक सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति हैं जो सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पित हैं।